डॉक्टर वीना कौशिक, SPC राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है वर्साय की संधि। 28 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने अनेक संधियां और समझौतों के प्रारूप तैयार किए। उन सभी संधियों में जर्मनी के साथ की गई वर्साय की संधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। जैसा कि कहा गया है कि जर्मनी के लिए संधि पत्र तैयार करना निसंदेह पेरिस शांति सम्मेलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और एकमात्र उपलब्धि थी। तो पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ जो संधि की गई वही वर्साय की संधि कहलाती है। 6 मई 1919 को वर्साय की संधि का प्रारूप बनकर तैयार हुआ, जिसमें 440 धाराएं तथा 80,000 शब्द थे। ये संधि 15 भागों में विभक्त थी और 230 पृष्ठों में लिखी गई थी। 7 मई को मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने संधि का प्रारूप जर्मनी प्रतिनिधिमंडल को सौंप दिया और उस पर विचार करने के लिए उन्हें केवल 3 सप्ताह अर्थात 21 दिन का समय दिया। संपूर्ण जर्मनी में संधि की शर्तों का तीव्र विरोध हुआ। जर्मनी के प्रधानमंत्री ने संधि को पूर्ति के अयोग्य बताया। जर्मनी ने संधि के प्रारूप पर गंभीरता से विचार करने के बाद 24 मई 1919 को 443 पृष्ठों का लगभग 26,000 शब्दों का एक विरोध प्रस्ताव मित्र राष्ट्रों को सौंप दिया, जिसमें संशोधन की याचना की गई थी। मुख्य रूप से जर्मनी प्रतिनिधि संधि पत्र से 231वीं धारा के उस अनुच्छेद के निकाले जाने की बात कर रहे थे, जिसके अनुसार उन्हें युद्ध का उत्तरदायी ठहराया गया था। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के प्रस्तावों में उल्लिखित कुछ मामूली संशोधन स्वीकार कर लिए, परंतु 231वीं धारा के उस अनुच्छेद को नहीं निकाला। इस प्रकार से जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने जो संधि की थी, वर्साय की संधि, वो बहुत लंबी चौड़ी संधि थी और उसकी मुख्य धारा यही थी कि जर्मनी ही प्रथम विश्व युद्ध के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी था और जर्मनी की जनता और जर्मनी के प्रशासक इस धारा को निकालने का विरोध कर रहे थे। संधि के संशोधित प्रारूप को वापस जर्मनी को लौटा दिया गया और ये धमकी दी गई यदि जर्मनी 5 दिनों के अंदर संधि के संशोधित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए तो उस पर पुनः आक्रमण कर दिया जाएगा। जर्मनी के तत्कालीन शासक ने संधि को अस्वीकार करते हुए त्यागपत्र दे दिया और अंत में नई सरकार बनाई गई और उसने संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। इस प्रकार से जर्मनी पर दबाव डालकर वर्साय की संधि पर एक तरह से हस्ताक्षर करवाए गए। अभी तक शांति समझौते संबंधी सभी कार्रवाइयों का केंद्र पेरिस था, इसलिए ये संधि पेरिस शांति सम्मेलन का एक भाग थी। किंतु जर्मनी द्वारा शांति संधि पर हस्ताक्षर करने की कार्रवाई जर्मनी के महल के उसी महल में संपादित की गई जहां कि 1871 में फ्रांस को पराजित करने के बाद प्रशा के राजा को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। फ्रांस की पराजय और राष्ट्रीय अपमान का यह ऐतिहासिक प्रतिशोध था। 28 जून 1919 को जर्मनी प्रतिनिधि हरमन मूलर और जोहान्स बेल ने वर्साय के महल में संधि पर हस्ताक्षर किए। वर्साय में हस्ताक्षर होने के कारण इस संधि को वर्साय की संधि के नाम से जाना जाता है। जर्मनी प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मेरा देश दबाव के कारण आत्मसमर्पण कर रहा है। जर्मनी ये कभी नहीं भूलेगा कि यह अन्यायपूर्ण संधि है। संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भारी भीड़ ने जर्मनी प्रतिनिधियों पर अपमानित किया। यह अपमान जनित क्रोध की पराकाष्ठा थी और इसी में बदले के बीज निहित थे। तो वर्साय की संधि एक प्रकार से जर्मनी के ऊपर थोपी हुई संधि थी और उसी में हम देखें कि इस संधि की शर्तों में कहीं ना कहीं से द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित कर दिए गए थे। तो वर्साय की संधि क्या थी और उसकी व्यवस्थाएँ क्या थी, ये हम अगले वर्साय की संधि के नेक्स्ट भाग में करेंगे। धन्यवाद।